गैस आप लोगों ने तो बहुत बार ट्राई किए होंगे, लेकिन क्या आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बारे में कभी ट्राई किए हैं? सर कुछ लोग किए होंगे एंड कुछ लोग नहीं भी किए होंगे, तो आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कहाँ मिलता है वो डिफरेंट कंट्रीज का बर्गर। सो गैस अभी हम लोग फोरम गैलेरिया मॉल में जो कि रतलब सिविल टाउन में, एंड हम लोग अभी फोरम गैलेरिया का फूड कोर्ट में है, टॉप फ्लोर नहीं टॉप से नीचे वाला फ्लोर है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फूड का आउटलेट्स भी है, तो मैं दिखाऊंगी कि वो डिफरेंट कंट्रीज का बर्गर कहाँ पर मिलता है। तो चलिए चलते हैं। यही है वो बर्गर आउटलेट जिसका नाम है बिगिस बर्गर, तो यही पर मिलता है फाइव कंट्रीज का बर्गर, एंड आप लोग को वेज एंड नॉन वेज ऑप्शन दोनों मिल जाएगा। तो आज हम लोग यहाँ से ट्राई करने वाले हैं फाइव कंट्रीज का बर्गर, तो चलिए जानते हैं कि वो फाइव कंट्रीज का बर्गर कौन कौन सा है। तो सबसे पहला है बर्गर फ्रॉम अफगानिस्तान, ये वेज एंड नॉन वेज दोनों ऑप्शन में आएगा। तो ये नॉन वेज का कॉस्ट है 169 एंड ये वेज का कॉस्ट भी है 169। देन आता है बर्गर फ्रॉम साउथ अफ्रीका, इसका भी वेज एंड नॉन वेज दोनों ऑप्शन आएगा, उसका भी कॉस्ट है 169 एंड वेज का भी कॉस्ट है 169। देन आएगा बर्गर फ्रॉम थाईलैंड, इसका आएगा नॉन वेज का 189। देन आता है बर्गर फ्रॉम थाईलैंड, ये वेज ऑप्शन है, इसका कॉस्ट है 169। देन आता है बर्गर फ्रॉम अफ्रीका जिसका कॉस्ट है 169, ये नॉन वेज है। फिर आता है बर्गर फ्रॉम मेक्सिको जिसका कॉस्ट है 169। एंड लास्ट में एक अलग ही ऑप्शन है जो कि है ग्रिल्ड चिकन विंग्स, तो ये भी आप लोग को ये मेनू में मिल जाएगा। सो गाइस आप लोगों को यहाँ पर 5 नॉन वेज ऑप्शन मिल जाएगा एंड 3 वेज ऑप्शन मिल जाएगा। सो गाइस बिगिस बर्गर प्रेजेंट कर रहा है द ओरिजिनल बर्गर फेस्टिवल जो कि 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक है, एंड ये बिगिस बर्गर में होगा जो कि फोरम गैलेरिया मॉल में है सिविल टाउनशिप में। सो गाइस ये बर्गर फेस्टिवल जो हो रहा है 21 से 30 अप्रैल के बीच में, तो वो फेस्टिवल में आप लोग को जो मैंने मेनू दिखाया यहाँ जो 5 बर्गर है वो सब बस मिलेगा, एंड ये बर्गर बस लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है जो कि ये जो बर्गर फेस्टिवल हो रहा है 24 से 30 के बीच में, बस यही टाइम पीरियड में आप लोगों को ये बर्गर्स अवेलेबल होगा। सो गाइस द ओरिजिनल बर्गर फेस्टिवल में एक चैलेंज है आप लोगों के लिए, तो चैलेंज में ये है कि यहाँ पर जो मेनू है जो कि 5 कंट्रीज से बर्गर था वहाँ से आप लोगों को बिगिस बर्गर से ऑर्डर करना है, देन वो बर्गर के साथ आप लोगों को ये जो फोटो बूथ है यहाँ पर फोटो बूथ लगाया गया है बिगिस बर्गर की तरफ से, वहाँ पर आपको पिक्चर क्लिक करना है, देन पिक्चर क्लिक करने के बाद आपको वो फोटो इंस्टाग्राम पोस्ट करना है टैगिंग बिगिस बर्गर, आप लोग को फोटो पोस्ट करना है, आप लोग बिगिस बर्गर को टैग करिएगा इंस्टाग्राम में एंड हैशटैग दीजिएगा द ओरिजिनल बर्गर फेस्टिवल। तो ये मैंडेटरी है, आप लोग को बिगिस बर्गर को टैग करना है एंड हैशटैग देना है द ओरिजिनल बर्गर फेस्टिवल। एंड सपोज आप लोग अगर प्राइवेट अकाउंट है इंस्टाग्राम में तो आप लोग उनको स्क्रीनशॉट आपका स्टोरी का या फिर आपका पोस्ट का उनको डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं बिगिस बर्गर को, एंड जो लकी विनर्स रहेगा उनको मिलेगा बिगिस बर्गर की तरफ से एक कस्टमाइज गिफ्ट हैम्पर। तो आप लोग पार्टिसिपेट करिए एंड आप लोग अगर लकी होंगे, कोई भी लकी हो सकते हैं, आप लोग को कस्टमाइज गिफ्ट मिल सकता है। एंड गाइस ये द ओरिजिनल बर्गर फेस्टिवल लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है जो कि है, मैं फिर से बता देती हूँ आप लोगों को, 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बस है। सपनों में आके गोरी कर ले तो ये दिल के चोरी, तोरे से प्यार करो ना जावे ना मौके छोड़ी। सो गाइस फाइनली हम लोग का बर्गर आ ही गया, इतना भूख लगने वाला, तो मुझे मिला है थाईलैंड का बर्गर और बाकी लोग और भी सब ट्राई कर रहे हैं, तो मैं ये थाईलैंड का ट्राई करती हूँ। इसका पैटी बहुत अच्छा है गाइस, बहुत अलग लग रहा है, और मुझे नहीं पता कि थाईलैंड में कैसे बनता है, पर अभी मैं खा रही हूँ तो पता चल रहा है कि ऐसे ही बनता होगा। सो गाइस यहाँ 2 पैटी है और ये चिकन पैटी है,
और इसके अंदर चीज भी है। सो वैसे अभी मैं रोशन को जो मिला था वो ट्राई करती हूँ। और इधर देख सकते हो फोटो सेशन चल रहा है या फिर कुछ तो चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे सब पे लाइन लाइन खड़े हैं अपना अपना बर्गर लेके। ये लोग कुछ कर रहे हैं कुछ तो, ये लोग कर रहे हैं कुछ तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, तो अभी हम लोग देखेंगे वीडियो में क्या कर रहे हैं पता चलेगा। तो गाइस हम लोग फाइव कंट्रीज का बर्गर ट्राई करिए हैं, जो कि वेज एंड नॉन वेज दोनों था। हाँ हम लोग दो बर्गर ट्राई किए, एक तो दोनों में से कौन सा ज्यादा मतलब ज्यादा अच्छा लगा? मुझे तो थाईलैंड वाला ज्यादा पसंद आया। आपका यही कह रहा था। हाँ अफगानिस्तान वाला भी खाई मैं, इनका जो था लेकिन थोड़ा ज्यादा स्पाइसी था। हाँ लेकिन थोड़ा स्पाइसी था, मेरे कंट्रोल से बाहर था, पर मेरे लिए ठीक था, इसके कंट्रोल से बाहर था। वैसे तो आप लोग जानते हो लड़के लोग ज्यादा तीखा खाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा मैं मेरे से नहीं होता तीखा, पर हाँ दोनों अपने तरीका से ट्राई कर सकते हैं। एंड जो मैंने जो बताया आप लोगों को कि वो जो चैलेंज है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड ये चैलेंज एंड ये जो मेनू है, ये जो फाइव कंट्रीज का बर्गर का मेनू है, मैं फिर से बता देती हूँ, ये सिर्फ 21st से 30th अप्रैल तक रहेगा। तो आप लोग आइए जरूर ट्राई कीजिए एंड एंजॉय कीजिए यहाँ का फूड। हाँ ठीक है ठीक है, आज का व्लॉग भी यही पर एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। टिल देन बाय बाय।